स्वागत है आपका दोस्तों आज अक्षा व्लॉग्स में। और आज के दिन जो हमारा व्लॉग है वो हमारी एल्ट्रोस की फर्स्ट ईयर की, जो फर्स्ट साल की एक सर्विस होती है, ईयर की फर्स्ट पेड सर्विस जो होती है, उसका वीडियो है। आज हम गाड़ी छोड़ने जा रहे हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा काम है, तीन चार चीजें हैं। हम लोग इसको नारकंडा वगैरह ले गए थे, चुटकी को, स्नोई को, हमने उसका नाम स्नोई रखा है ना, लोग रखते नहीं है, और जो भी है। तो ये आगे आपके सामने जो एल्ट्रोस जा रही है ये अपनी ही है, भाई चला रहा है, और अपन हैरियर में जा रहे हैं, है ना, रजवाड़ों की तरह। रजवाड़ों की तरह नहीं, मतलब वापस दोनों भाई हैरियर में आ जाएंगे, तो इसको ड्रॉप करके आ जाएंगे। इसमें जो इश्यूज हैं वो हैं दो तीन, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो जो चेयर है को ड्राइवर की वो थोड़ी सी आवाज़ कर रही है, चर 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 चर। सेकेंड, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए मैंने बोला है। थर्ड, इसका इंजन थोड़ा आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, जो कि डीजल इंजन है 1.5 लीटर का, इनका अपना है टाटा का, इट्स नॉट लाइक दे हैव यू नो गॉट इट फ्रॉम फिएट या कुछ, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। और चलो जी, हम लोग वही, मैं आपको बता रहा था दो तीन चीज़ें गाड़ी के अंदर। एक इसकी एंटी रस्ट कोटिंग सेकेंड टाइम होनी है, बिकॉज एक साल में दो बार होती है जो भी हमने पैकेज लिया उसमें, तो हम लोग अभी वही देंगे तो गाड़ी को लग जाएंगे। कह रहे थे भैया दो तीन दिन लग जाएंगे आराम से। हमारा, हम जब अभी शिमला नारकंडा वाले ट्रिप पे गए थे तो हमारा गाड़ी का लेफ्ट साइड का नहीं राइट साइड का फ्रंट टायर ना कट गया है, तो हवा नहीं निकली, जो ऊपर का लेदर होता है जहाँ से पंक्चर नहीं हुआ है वो साइड से कट गया है। तो जिसकी वजह से मैंने बोला कि भैया यार, इंश्योरेंस वाले भैया जो हैं, और गाड़ी का दो साल का फुल डैमेज इंश्योरेंस है हमारा, तो मैंने पूछा कि भैया कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ, ब्रिजस्टोन का टायर है, आप आराम से गाड़ी ले आओ और आपका टायर भी रिप्लेस हो जाएगा। तो हम उसी के लिए जा रहे हैं, बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट भी होगा, बिकॉज थोड़ी पहाड़ों से चल के आई है गाड़ी, है ना। सही सी लग रही है यार, छोटी सी रोड पे, क्यूट सी, सही लगती है एल्ट्रोस यार। मुझे नहीं लगा था कि एल्ट्रोस इतनी ठीक लगेगी रोड पे, बट नो डाउट इट्स अ गुड कार। बिसाइड्स दिस, बाकी कुछ खास नहीं है गाड़ी में प्रॉब्लम, यही दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। एक आवाज़ कर रहा है इंजन, जो कि डीजल इंजन है, करना भी चाहिए, इतना रिफाइनमेंट नहीं है इनका, जिसकी वजह से हम लोगों ने जब डैम्पिंग कराई थी तो आवाज़ अंदर कम हो गई थी। और उसके अलावा यही है नॉर्मल, अभी एयर फिल्टर चेंज होगा, डीजल फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा, उसके अलावा बस सफाई हो जाएगी गाड़ी की, जो कि काफ़ी गंदी पड़ी है काफ़ी टाइम से, वैसे भैया साफ कर देते हैं, बट देन ऑल्सो और कुछ खास नहीं है गाड़ी के अंदर। फर्स्ट क्लास चल रही है, हम लोगों ने करीबन 11,400 किलोमीटर होने वाली है जब हम इसको गाड़ी को दे देंगे, 300 समथिंग पे चली रही है गाड़ी अभी, तो 11,500 मान लो जब हम फर्स्ट सर्विस पे देके जा रहे हैं, तो एक साल के अंदर मानो हमने 11,500 वो चला दी और तकरीबन 15,000 समथिंग ये चला दिया है। इसकी तो सर्विस 15,400 पे तो हुई थी, इसकी सर्विस 15,050 पे हुई थी, हाँ 15,125 हो रखी है जब से आई है। तो हैरियर तो चलती नहीं है, सिर्फ कवर डला रहता है जब हमें पहाड़ों पे निकलना होता है या फिर किसी ट्रिप पे निकलना होता है छोटे मोटे, तब हम हैरियर निकालते हैं। अब ये चलिए, चलो जी, जो भी है बाकी हम सर्विस सेंटर पे गाड़ी जब जमा करते हैं इसका लास्ट वीडियो बना लेते हैं देने से पहले, और फिर बाकी तो जब गाड़ी मिलेगी तब बनाएंगे। तो आशु बेटे, क्या कर दिया बेटे? आज एल्ट्रोस हमने अपनी बुक करी है, इसकी सर्विस बुक करी है, सर्विस के लिए बुक करी है। ओह माय गॉड, अपॉइंटमेंट दी है, सर्विस पे दी है। इंग्लिश का था, अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी हटाओ। हमने अपनी एल्ट्रोस आज सर्विस के लिए दे दी है, हाँ, टाटा ने, ग्रेटर नोएडा में। तो इसमें तीन चार जो मैंने आपको इश्यूज बताए थे उनमें से एक तो पहला ये है, अगर आप पता नहीं जो भी हुआ है, बेंड सा हो गया फ्रंट बम्पर, तो ये दिखाया है। उसके अलावा ये टायर जब हम अभी शिमला गए थे कहीं पे पता नहीं कैसे हुआ है, खड़े खड़े फट गए, ठीक है, ये दो इश्यूज हैं। तीसरा, इसको ये कहते हैं आईब्रो, तो ये इस साइड राइट साइड में गैप है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट क्लास है। तो दिखाइए दिखाइए सर, जी सर, देखिए बिल्कुल एकदम सेट हो रखा है और उसमें गैप है ना, अंदर तो ये दिखाया है, इसके शॉकर्स थोड़े से आवाज, शॉकर्स हाँ, और को ड्राइवर सीट आवाज कर रही है, तो ये क्या हो गया? अच्छा, लॉच हो रही थी। तो गाड़ी के चल चुके 11,340 किलोमीटर, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन गाड़ी का। बाकी उसके अलावा घर कर कर दिया, तो गियर बॉक्स के लिए भी बोल दिया कि गियर बॉक्स को एक बार देख लेंगे, हाँ, गाड़ी में तो वैसे कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, थोड़े बहुत चलाएंगे गाड़ी तो दिक्कत तो आती आती है।
बाकी हमने गाड़ी कर दी है साफ एकदम। दे रहे फिर भैया गाड़ी आशु बेटे? यस बेटे, कुछ नहीं है गाड़ी हमने कर ले। नहीं भैया तो फिलहाल यही है, बाकी बेसिक सर्विस हो ही जाएगी गाड़ी की, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर एंड ऑल। डिक्की में एक बार चेक कर लो, सामान तो नहीं है? नहीं है। यो ब्रो, चलो जी गाड़ी करते हैं जमा और चलते हैं झर हैरियर में। हैरियर में है, जाएंगे घर और टेस्ट जाओ जी। कहाँ जा रहे हैं? एल्ट्रोस को सर्विस पे डाला है हम। डाला है? अच्छा जी। और टाहा से जा रहे हैं घर। टाहा से घर को जा रहे हैं? हाँ घर जा रहे हैं टाहा को लेके। अच्छा, इस पर डीजल की कमी थी, थोड़ा इसको पानी, इसका जो पानी है वो पिलाया इसे, इसको इसका पेट भर दिया तुमने? थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं भर पाते, ज्यादा तो नहीं भर पाते, गरीब लोग हैं। हाँ पैसे नहीं है, पैसा ही तो नहीं है। अब घर जाके डुकाटी और हार्ले के आए हैं। कवर सीट? सीट नहीं, कवर थोड़ी है, तो बॉडी कवर है। बॉडी कवर, ये सही पकड़े है। डर लगता है यदि यहाँ पे बैठ के डंक मार दोगे। डंक मार दिया रे मोकू। अच्छा जी, थोड़ा दिन सा भी है हल्का सा। अच्छा अच्छा, तो अभी उन पर कवर डाल के देखते हैं कैसे है, अगर दिक्कत होती है हाँ जी तो फिर रिप्लेसमेंट डालेंगे, फिर रिप्लेस हो जाएंगे। चलो जी घर चलते हैं। ओके भाई साहब, मिलते हैं। टाटा टाटा टाटा। तो जी आज हम आए हैं टाटा के सर्विस सेंटर पे, आपको पता ही है जो मैंने आपको बताया था। तो आज हम पिक करने आए हैं, गाड़ी तैयार तो हो गई है एल्ट्रोस हमारी सर्विस वगैरह के बाद, परंतु उसमें भी दो चीज़ें रहती है वो बताता हूँ आपको। क्या रहती बोला है कि गाड़ी बाहर खड़ी है? हाँ जी हमारी वो खड़ी है एल्ट्रोस, सफ़ेद रंग की छुटकी सी। अभी इसको जब बाहर निकालेंगे वो कपड़ा मारेंगे तब देखते हैं। एक तो हमारा टायर है वो लेफ्ट साइड का जो फट गया है, गुडियर का टायर है, तो वो रिप्लेस होना था। मैंने वीडियो आपको दिखाया था, अगर आप नहीं लेफ्ट साइड का शायद है तो फ्रंट का। एक बार गाड़ी गंदी हो रखी है भाई। हाँ ये वाला टायर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ये देख रहे हो आप, ये फट गया है ना, तो ये रिप्लेस होना था टायर जो कि अभी नहीं हो पाया है। मड फ्लैप हमारे रीपेंट होने गए हैं वाइट कलर के जो थे, बाकी मेरे ख्याल से अंदर काफ़ी जो काम होना था वो लग तो रहा है, साफ सुथरी लग रही है, तो हो तो गया है। बाकी आपको मैं आगे दिखा, गाड़ी सर्विस तो हो गई है, अब चल रही है क्लीनिंग। एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, और ड्राई क्लीन भी चल रही है लेदर सीट्स पे, भैया साफ कर रहे हैं। तो बाकी भैया हो गई है क्लीन? भैया आराम से कर दो, थोड़ा कोई जल्दी नहीं है। ये मड फ्लैप जो मैंने आपको बताया था रीपेंट होने थे, वो रीपेंट हो चुके हैं, आ गए हैं रीपेंट होके। कैडी लग रही है गाड़ी अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हुआ है कुछ काम। बाकी दो चीज़ें हैं जो अभी गाड़ी की रहती हैं, अब मैं आपको क्रोम प्लेट दिखाता हूँ जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ वारंटी में रिप्लेस होनी है। और आप ये देख रहे होंगे पीला पड़ गया, तो ये पार्ट रिप्लेस होना है, ऑर्डर पर चल गया है, पता नहीं जब आएगा तब ये चेंज होगा। तो गाड़ी हो चुकी है सर्विस हमारी 11,381 किलोमीटर पे, अब हम इसको कर देंगे जीरो। हाँ आशु भैया? हाँ जी भैया। ताकि आगे का पता ना चले किसी को, ताकि पता ना चले, ताकि किसी को पता ना चले, इसको करते हैं रीसेट ट्रिप, जीरो हो गई है। और हमारा तकरीबन खर्चा आया है 5,700 रुपए का खर्चा आया है सर्विस में, जिसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, डीजल ऑयल, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है, बैलेंसिंग अलाइनमेंट, ये सब हुआ है ना शुभिया? हाँ जी ये सारा कुछ हुआ है, और जैसे कुछ जो हमने कमी बताई थी वो भी रेक्टिफाई कर दी है उन्होंने। हाँ हमारा थोड़ा सा पंगा था गियर का, तो गियर ऑयल भी चेंज हुआ है, काफ़ी चीज़ों में काम हुआ है, तो गाड़ी अब तो अंतर लग रहा है गाड़ी के अंदर, आवाज़ इतनी नहीं है। बाकी अभी हम इसको चलाएंगे थोड़ा बहुत, तो तब पता चलेगा कि क्या सीन है इसका। और आपको दिक्कत आती है? हाँ तो वही बता रहे हैं, सीट भी साफ करी है तो हमारी। हाँ वो आपने वीडियो में देखा ही होगा, सीट एकदम क्लीन कर दी गई है, पचकलांच लग रही है गाड़ी, और सॉफ्टवेयर अपडेट कर ही दिया था इन लोगों ने। तो तकरीबन हमारी गाड़ी का 5,700 रुपए का बिल आया है, जिसमें साफ कुछ हो गया है, एक साल की सर्विस की टेंशन खत्म। क्या शुभ थे? हाँ तो 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी, 15,000 से पहले इसलिए चले गए क्योंकि 19 तारीख की इसकी डिलीवरी थी, एक साल हो रहा था 19 तारीख को इसको। हाँ फिर हमने इसे दे दिया था शोरूम पे, ये रही और टाइम लगा उन्होंने, काफ़ी टाइम मांगा, मैंने कहा बिल्कुल टाइम लीजिए आप करिए,
तो अब चलाते हैं फिर देखते हैं अगर कुछ इशू होगा तो। अभी हमने इसमें डीजल डलवाया है थोड़ा बहुत और हम लोग इसका हवा भी डलवाई है इसके अंदर, और अब हम लोग जब निकल रहे हैं तो अब देखेंगे इसके अंदर कुछ कमी अगर है तो पता चलेगा तो रिपोर्ट करेंगे। दो चीज़ें इसकी रह गई हैं जैसे मैंने आपको बताया था, एक आगे की क्रोम प्लेट जो कलर फेड हो रहा है उसका वो रिप्लेस होगी, वारंटी में ही है, और एक टायर है जो वो रिप्लेस होगा वो भी वारंटी में है। बाकी ये जो है ये एक सर्विस का वीडियो है, रिव्यू का वीडियो नहीं है। रिव्यू का एक साल का रिव्यू का वीडियो हम डालेंगे अगले हफ्ते या फिर एक दो हफ्ते में जो आएगा कि आफ्टर वन ईयर ऑफ ओनरशिप हाउ वाज द एक्सपीरियंस हैरियर का भी और एल्ट्रोस का भी। तो फिलहाल के लिए बने रहिए अक्षय ब्लॉग्स पे, है ना, सब्सक्राइब करते रहो, बटन लाल वाला जो बटन है उसको ना हथौड़ा लो और दबाते रहो, है ना, थॉर बन जाओ। ठीक है, चलो जी, टाटा ते बाय, जय हिंद, जय श्री राम।